हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ भिंगे चुका नेक्स्ट पार्ट लेके, चलिए उसे शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा शेंचिन चू जो था ना, वो आराम से उठता है और उसे अपनी वेस्ट की साइड एक आर्म, यानी कि जो बाजू हमेशा उसकी वेस्ट पे चिपटी रहती थी, यानी कि उसे हक करके रखती थी, वो उसे आज फील ही नहीं हो रही थी। जैसे यहाँ पर जो भिंगे का हाथ उसकी वेस्ट पे हो ही ना, वो मॉर्निंग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो लाइट होती है उनके कमरे में आ रही थी, वो भी खिड़की के थ्रू। यहाँ पर वो अपनी स्लीव को यूज़ करता है अपने इनर रोप को ब्लॉक करने के लिए, ताकि यहाँ पर उसके ऊपर लाइट ना आए। इस एक्शन से वो पीछे की तरफ देखता है, उसकी जो वेस्ट थी वो अभी भी सौर फील हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा भिंगे चू था ना पिछली रात, उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड तरीके से रोमांस किया था। सॉरी, लुओ भिंगे ने उसके साथ बहुत वाइल्ड तरीके से रोमांस किया था, और अभी भी कुछ चिपचिपा पदार्थ अभी भी उसके पीछे सूख चुका था। यहाँ पर लास्ट नाइट वो जानता था कि पूरी रात लुओ भिंगे ने उसे कैसे पूरी रात जगा के रखा, और वो सुबह जाकर सोया है, वो थोड़ा सा अनवेल फील कर रहा था। उसे स्ट्रेंज लगता है जब लुओ भिंगे जो था वो आज उठा ही नहीं है और उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना रहा, तभी वो ज़ोर से कहता है भिंगे, पर उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। शिन चिन चू को अब और भी कंफ्यूज हो जाता है और वो खुद को फोर्स करता है कि वो अपनी आंखें खोले और देखे। यहाँ पर वो देखता है एक छोटा सा सिर और छोटे से सिल्की बाल वाला बच्चा उसके पास था। यहाँ पर वो हेड जो था वो बहुत ही क्यूट डेलिकेट सा लग रहा था। यहाँ पर नेचुरल ब्लश जो था वो उसकी आंखों में आ जाता है। उसकी चीक्स बहुत ही ज़्यादा टेंडर थे, आइज डार्क थी और ग्लॉसी ग्लॉसी स्लेंडर उसकी स्किन थी, उसकी बॉडी थी। यहाँ पर उसके लिप्स भी, जो कि आंखें टाइटली बंद थी, लिप्स भी पिंक कलर के थे और कर्ली बॉल में वो बच्चा सा बना हुआ था, जैसे कोई किटी हो, यानी कि कोई प्यारी सी कैट हो। यहाँ पर उन दोनों का, यानी कि लुओ भिंगे और इसका साइज बिल्कुल डिफरेंट था। ये लुओ भिंगे ही था पर ये 5 से 6 साल का बच्चा बन गया था। यहाँ पर इवन वो इतना ज़्यादा सुकड़ गया था कि वो सच में बहुत छोटा लग रहा था, पर मेल प्रोटागोनिस्ट का फेस इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना। यहाँ पर शिनचिन चू शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है लुओ भिंगे। यहाँ पर वो उसकी आर्म्स को पिंच करना चाहता था, उसकी गालों को छेड़ना चाहता था। यहाँ पर उसे खुद डर लग रहा था कि कहीं वो लुओ भिंगे को हर्ट ना कर दे। उसका बॉटम जो था वो अभी भी दर्द था, दर्द से सूजा हुआ था। और यहाँ पर शिनचिन चू जो है वो अपनी बैग के द्वारा उठता है और लुओ भिंगे धीरे से अपनी आँखें खोलता है। उसकी आँखें फड़फड़ा रही थी, धीरे से वो बोलता है शिजुन। शिनचिन चू जो कि अपने मेसी क्लोथ में ही था, वो उसकी बाजुओं के पास जाता है। वो जानता था इस पोजीशन में लुओ भिंगे को उसे हक चाहिए। वो इतना सॉफ्ट एकदम बेबी वॉइस में बोल रहा था कि लुओ भिंगे को यकीन नहीं आ रहा था, सॉरी शिनचिन चू को यकीन नहीं आ रहा था ये लुओ भिंगे है। यहाँ पर इस मोमेंट के लिए वो धीरे से अपना मुंह खोलता है और एकदम से स्टिफ हो जाता है। दोनों आंखें एक दूसरे को देख रही थी, वो एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते रहते हैं। कन्फ्यूजन दोनों के ही दिमाग में थी, लेकिन इससे पहले कुछ हो यहाँ पर दोनों के दोनों सिचुएशन को फिगर आउट कर लेते हैं। लुओ भिंगे का ये क्रिटिकल मोमेंट था कल्टीवेशन का, जब हमारे जो डिमन होते हैं जब वो कल्टीवेट कर रहे होते हैं और ओवर बियरिंग उनकी पावर हो जाती है, तो अचानक से उनकी पावर जो है वो 1/10 जो है वो खत्म हो जाती है। और हर डिमन के साथ ये होता है कि वो श्रैंक होकर बच्चे में बदल जाता है। सेम यहाँ पर लुओ भिंगे के साथ हुआ था। लॉजिकली कहा जाए तो उसका माइंड इस वक्त क्लियर था, उसके डिज़ायर भी क्लियर थे, लेकिन वो बच्चे की फॉर्म में था, जो कि जल्दी थक जाता था, जल्दी उसमें एनर्जी नहीं होती थी, और डिमोनिक कल्टीवेशन का यही तरीका होता था। शिनचिन चू जो है वो इस रियलिटी को उसके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं था एक्सेप्ट करना, क्योंकि ओरिजिनली प्लॉट में भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लुओ भिंगे एकदम से बच्चे में बदल जाएगा और वो फ्रीली एंटर एग्जिट कर पाएगा कहीं भी, जहाँ पर वीमेन मैन दोनों जगह हो। उसे ये चीज़ जो ओरिजिनल प्राउड इमोर्टल डीमन में जो यहाँ पर नॉवल लिखी गई थी और जो प्रोग्राम था उसके अंदर ये सब चीज़ें हुई थी, बट उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका जो पति है वो इस वक्त ऐसे बदल जाएगा। यहाँ पर उसके लिए उसके दिल जो था वो एकदम सरप्राइज हो गया था। शिनचिन चू जो है वो यहाँ पर उसे नहीं पता कि वो क्या करे, वो डिले भी नहीं करना चाहता था। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे अंदर कितनी कोर स्ट्रेंथ बची है, तो वो कहता है 10वें भाग का एक हिस्सा मेरे अंदर बचा है, यानी कि 1/10 हिस्सा सिर्फ मेरे अंदर मेरी एनर्जी का बचा है। वो बहुत ही ज़्यादा यंग इमेच्योर फेस बहुत क्यूट सा लग रहा होता है। इवन वो जानता था कि अब उसे सारे के सारे सीरियसली नहीं लेंगे। वो सिचुएशन उसे बहुत फनी लग रही थी। शिनचिन चू यहाँ पर हंसता है और जैसे ही वो हंसता है वो सीरियस फेस बना लेता है और कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक 10वां हिस्सा, यानी कि सिर्फ इतना सा हिस्सा तुम्हारे पास बचा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रह लेंगे और डीमन वर्ल्ड तुम्हारे लिए इस वक्त सुरक्षित नहीं है। लुओ भिंगे जो है वो बहुत सारे ह्यूमंस डीमंस के जैसा ही था, जानता था सबको, ऑब्वियसली वो यहाँ से दूर भाग सकता था, कहीं भी छुप सकता था, क्योंकि उसके लिए दोनों ही वर्ल्ड में कोई मनाही तो नहीं थी। शिनचिन चू के होते कौन लुओ भिंगे को कांगचोंग माउंटेन से हटा सकता है। जैसे ही वो लोग अपना दिमाग इस चीज़ में रेडी कर लेते हैं, वो आराम से अपने कपड़े पहनते हैं, बेड पर से उठते हैं, और कौन जाने जैसे ही यहाँ पर वो बेचारा अपनी मसल्स को ठीक करता है, चीक्स को और भी ज़्यादा ब्लश करता है, दोनों के दोनों उठते हैं। कल रात ही उन दोनों ने सब चीज़ें की थी और आज ही लुओ भिंगे को वो अपने हॉट स्प्रिंग में कैरी करता है एक बच्चे को। वो बेचारा अभी भी सो ही रहा था, उसे वो नींदों में ही क्लीन करने के लिए ले जाता है। लुओ भिंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर शिनचिन चू की टांगों के पास ही आ रहा था, उतनी सी ही हाइट थी उस 4 से 5 साल के बच्चे की। इवन ये देखने के बाद बेचारा शिनचिन चू, उसे तो रोना आ रहा था कि उसका पति इतने छोटे से हिस्से में मतलब बदल गया है और उसे यकीन नहीं आ रहा वो क्या करे। वो कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं खुद से अपनी सारी चीज़ें कर लूँगा, क्योंकि शिनचिन चू जब भी हमारे लुओ भिंगे के साथ इंटीमेट होता था तो यहाँ पर शिनचिन चू को क्लीन लुओ भिंगे ही करता था, लेकिन अभी वो ऐसे चीज़ें नहीं कर सकते थे। लुओ भिंगे जो है वो चाहता था कि वो
अंडरग्राउंड पैलेस में जाए, पास्ट में जाकर खुद को ठीक कर सके। वो शनचनचो की चेस्ट पे बैठा, मतलब थाइस पे बैठा होता है और चेस्ट पे सर रख के होता है। लो विंगे जो था वो कम्प्लीटली एक बच्चे में बदल गया था। यहाँ पर शनचनचो कैरी करता है खुद को केयरफुली, और वो कोशिश कर रहा था कि उसकी वजह से लो विंगे को भी कोई चीज़ ना लगे, क्योंकि पानी में एक छोटा बच्चा फिसल सकता है। वो क्विकली खुद को क्लीन करते हैं और सडनली लुओ विंगे, जो कि बड़ी मुश्किल से ब्लू स्टोन के पास पहुंच रहा था, शनचनचो उसे पूरी की पूरी हेल्प करता है। लुओ विंगे जो था वो बहुत ही क्यूट सा लग रहा था वो वैली में, बहुत ही प्यारा, उसकी प्यारी प्यारी सी आंखें, भोला भाला सा चेहरा। यहाँ पर वो कांगचिंग माउंटेन में जाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके बहुत सारे डिसाइपल थे। शनचनचो वहाँ का हेड था और वो कुछ भी करके वहाँ पर एक काम करना चाह रहा था, ताकि लुओ विंगे की स्ट्रेंथ जब तक नहीं आती तब तक वो वहीं रहे। शनचनचो उसे थोड़ी देर तक घूर कर देखता है, बट वो फिर से उसे नीचे की तरफ खींच लेता है और हक कर लेता है। वो सच में उसके सिर को अपनी चेस्ट पर रखकर उसे प्यार से, बड़े प्यार से रखा करता था। यहाँ पर लुओ विंगे जो था वो सच में उसका तो जैसे जैसे खून ही सूख जाएगा। वो तो पानी में भी जाता तो वो पानी उसकी बिल्कुल नाक में घुसने को होता था। यहाँ पर सच में वो बहुत प्यारा लग रहा था, उसकी स्किन भी बहुत स्मूथ हो गई थी, और जिस तरह से वो खुद को झटक कर पीछे करता था, वो एक बच्चे की तरह बॉल बनते हुए गोल गोल घूमता हुआ जाता था। शनचनचो स्वीटली उसे अपने पास रखता है। लुओ विंगे का फेस भी अब डार्क हो गया था, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी शिजुन के सामने इस तरह से रहते हुए एक बच्चा बन के। उसकी बॉडी जो थी वो न जाने कितने थाउजेंड टाइम जो है वो अब छोटी होती जा रही थी। वो उस चीज़ के साथ कुछ नहीं कर सकता था। लुओ विंगे का जो फेस था ना वो ब्राइट रेड और वाइट हो गया था। यहाँ पर उसकी कुछ इंटरनल इंजरी भी थी जो उसने सफ़र की थी, जिसकी वजह से अब उसे यहाँ पर अपने मास्टर के साथ जो उसने लास्ट नाइट मैसअप किया उसकी सज़ा मिल रही थी। शनचनचो कहता है, लास्ट नाइट तुम ज़्यादा रफ थे ना, देख लो अब तुम्हें इसी के भुगतान भुगतना पड़ रहा है। लुओ विंगे यहाँ पर बेचारे का दिल टूट जाता है और वह कहता है, ऐसा नहीं है, शिजुन ने मुझे सड्यूस किया था। ये वर्ड सुनने के बाद शनचनचो ब्लश करने लगता है और सीक्रेटली शर्म आ रही थी उसे कि उसने ही तो पहले लुओ विंगे को सड्यूस किया और बेचारा लुओ विंगे आज बच्चा बन गया है, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई थी मास्टर के साथ रोमांस करने में। यहाँ पर धीरे से वो सरफेस पे आते हैं। शनचनचो जो था वो विश कर रहा था कि वो कांगचिंग माउंटेन में जाकर यहाँ पर दोनों छुप जाएं, बट लुओ विंगे जो था वो कभी भी वापस कांगचिंग माउंटेन में जाने की इच्छुक नहीं था। वो मर जाएगा पर वहाँ नहीं जाएगा, ऑब्वियसली बात है वो इंजर्ड था। यहाँ पर वो वापस डीमन रेल में नहीं रह सकता था, बहुत सारे उनके अपने दुश्मन भी होते हैं और लुओ चिंगे डेफिनेटली प्रेजेंट होगा लुओ चिंगे के सामने। लुओ विंगे इस तरह से तो बिल्कुल नहीं बन सकता था। शनचनचो कॉम्प्रोमाइज़ करता है और वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है। पहले तो वो प्लेन साइड पे जाकर चूज़ करते हैं कि वो वहाँ के टाउन में रहेंगे। लुओ विंगे की बॉडी रिकवर जब तक नहीं होती वो वहीं रहेंगे, रेस्ट करेंगे और अपना टाइम पास करेंगे। शनचनचो फिर धीरे धीरे बोर होने लगा। यहाँ पर उसे थोड़ी सी अकेले बैठ के इरिटेशन होती थी, वो इजीली इस पोजीशन में नहीं रह सकता था। वो लार्ज एकेडमी ढूंढता है टाउन के अंदर। लुओ विंगे नेचुरली खुश नहीं था इस चीज़ से। पहली चीज़, वो कभी पसंद नहीं करता था कि शनचनचो जो है वो दूसरे डिसाइपल को अपने अंडर एक्सेप्ट करें, और क्या चिंगचिंग पीक में इतने ज़्यादा डिसाइपल नहीं है उसके अंडर ऑलरेडी कि उसे और ज़्यादा डिसाइपल को एक्सेप्ट करना पड़े। और दूसरी चीज़, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि यहाँ पर जैसे शनचनचो उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करता है, और इवन सारे उसे उसके बेटे की तरह ही ट्रीट करने लगे थे। स्पेशली जब वो बेड पे जाते थे वो यहाँ पर उसे किस करने देता था, हक करने देता था। इवन वो अब कुछ कर भी नहीं पाता था, उसे शनचनचो की मजाक सहना पड़ता था जब वो उसे प्यार से गुड बॉय बेबी कहता था, और इससे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि उसे बेबी या गुड बॉय तो नहीं सुनना, उसे हस्बैंड सुनना है। यहाँ पर उसे अपने अंदर वो रिसेंटमेंट यानी कि रिसेंटफुल एनर्जी महसूस होती थी जब भी वो देखता था, लेकिन यहाँ पर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। शनचनचो वापस एकेडमी आता है, वो लुओ विंगे को देखता है जो कि बेंच पे बैठा हुआ था। यहाँ पर वो उसके सामने एक डोर था जहाँ पर वो उसका वेट किया करता था। अगर वो अपनी एडल्ट फॉर्म में होता तो उसे इस तरह से छोटा सा बच्चा बन के बैठ के एक बिल्ली की तरह उसका वेट नहीं करना होता, लेकिन उसका साइज बेचारे का बहुत छोटा था। वो हेल्प नहीं कर पा रहा था अपनी, उसका हैंड जो था वो उसके फेस की तरफ था और वो स्क्वीज़ कर रहा था अपने हाथ को। ना जाने कितनी बार वो कितने मील्स ट्राई करता था कि वो उसका शिजुन उससे कितना दूर है। यहाँ पर चिड़ियाँ चहचाती थी। शनचनचो जो था वो जानता था कि यहाँ पर लुओ विंगे उसका हमेशा इंतजार करता रहता है। यहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रन थे नियर बाई फैमिलीज़ के। पहले दिन शनचनचो और लुओ विंगे जो है जब वहाँ मुड़े तो मेल प्रोटैगनिस्ट का चार्म तो अलग ही था, लेकिन सारे के सारे यहाँ शनचनचो को देखकर और भी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर हमारा लुओ विंगे तो सबको भगा देता था। चिल्ड्रन जो थे वो टीचर से बहुत डरा करते थे, लेकिन शनचनचो के आगे भी बहुत सारे जो स्टूडेंट होते थे वो स्वाभाविक था अपने अपने गुरु से डरना, लेकिन वहाँ के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर शनचनचो धीरे से अपने हाथों को निकालता है, वो स्क्वीज़ करता है लुओ विंगे की चीज़ को जो कि डेली ये काम उसे बड़ा प्यारा लगता था। यहाँ पर एक आवाज़ आती है, मिस्टर शन। जैसे ही आवाज़ आती है वहाँ पर देखते हैं कि दो औरतें वहाँ आ रही होती हैं। शनचनचो की तरफ मुँह करता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक औरतें आ रही थी जो किसी की पत्नी थी और किन्हीं बच्चों की माँ भी थी। वो यहाँ पर उसकी तरफ आते ही कहती है, मिस्टर शन हम लोग आपको बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, चलिए हमारे साथ चलिए। एक गर्ल है जो आपका बहुत देर से वेट कर रही है और वो एंशियस भी हो रहे हैं। लुओ विंगे यहाँ पर जोर से चलाता है, कहाँ जाना है, कौन सी लड़की? शनचनचो भी कन्फ्यूज था। यहाँ पर मैडम एक बोलती हैं लुओ विंगे के एक्सप्रेशंस को देखकर सिर हिलाते हुए, अयो तुम्हें तो छोटा बच्चे हो, तुम इतनी स्कैरी वॉइस में कैसे बोल सकते हो? ये यंग मास्टर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मिस्टर सिन क्या ये आप पर नाराज़ हो रहे हैं? मैडम भी बोलती हैं,
यंग मास्टर इधर आइए, ये आपकी बड़ी बहन आपको कैंडी देगी खाने के लिए। आप अपने पिता के बीच रस्ते में मत आइएगा। लो भिंगे यहाँ पर गुस्से में देखकर कहता है, वो शिजुन बोलने वाला था, और कहता है कि आपका आज कुछ प्लान है कुछ करने का। शेंचेंचू कहता है, नहीं मेरा तो प्लान नहीं है। यहाँ पर मैडम एक कहती है, मिस्टर सेन आप जो है ना वो हमेशा ये बात जानते ही होंगे कि आप यहाँ पर जब से आए हैं तब से मेरी नीस जो है, मेरी फैमिली जो है वो बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली है, और वो इसकी बहुत ही मतलब अच्छी बेटी है। हम चाहते हैं कि आप दोनों का अच्छा मैच होगा, आप दोनों एक दूसरे को एक बार देखें। हमने आपके लिए एक बैंक्वेट सेटअप किया है जहाँ पर आप एक दूसरे को मिलें और एक दूसरे के बारे में जानें। और वो एक और लेडी कहती है, मेरे घराने से भी एक लड़की है, मेरी यंग कज़न है, और यहाँ पर भी मेरी एक और यंग कज़न है। यहाँ पर वो सारे के सारे शिनचिनचू की शादी का प्रपोजल लेके जाना चाहते थे। यहाँ पर एक न्यूज़ फैली हुई थी कि एक जेंटलमैन आया है जो कि बहुत ही रिच है, अपने बेटे के साथ आया है, वेल मैनर्ड है, जेंटल है, सबसे बहुत सॉफ्टली बात करता है और बहुत रिफ्रेशिंग है। उसका चेहरा भी यूथ जैसा ही दिखता है, और वो सारे के सारे ऑब्वियसली बात है एक अमीर हैंडसम नौजवान लड़का वहाँ उनके बीच आएगा जिसका एक छोटा सा बच्चा है और सुपर रिच है। यहाँ पर कौन अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहेगा, उसका बच्चा सिर्फ 4 से 5 साल ही बड़ा है, और यहाँ पर उसका बच्चा भी बहुत क्यूट है और ये जेंटलमैन भी हैंडसम है। तो यहाँ पर कहीं लोग बहुत सारे इच्छुक थे अपनी अपनी जवान लड़कियों की शादी यहाँ पर शिनचिनचू से कराने के लिए। लुओ भिंगे का फेस इस वक्त ग्रीन हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, इन्हें कोई भी ब्लाइंड डेट की ज़रूरत नहीं है। वो मन में सोचता है, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, क्योंकि वो शिनचिनचू का ऑलरेडी हस्बैंड है। मैडम सी यहाँ पर आती हैं और धीरे धीरे आते हुए कहती हैं, यंग मास्टर शिन आप हैप्पी नहीं हैं कि आपके पिता को इस वक्त दोबारा से शादी करने का मौका मिलेगा, और ये कितनी बुरी बात है ना कि आप इस तरह से सोचते हैं। आप नहीं चाहते आपके पास एक माँ आए जो आपकी केयर करे। मैडम भी कहती है, सही में मिस्टर सेन आपने अपने बच्चे को बहुत बिगाड़ दिया है, देखिए ना वो किस तरह से गुस्सा कर रहा है और आपके इस तरह के मामलों में बीच में आ रहा है। इवन वो इतना बड़ा हो गया है कि अभी भी आपकी गोदी में बैठे रहता है। मैं ये कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती, लेकिन आपको नहीं लगता कि अपब्रिंगिंग जो है जो आपने गुड मैन को प्रोड्यूस करना चाहिए, आपका बेटा जो है वो इस तरह से होता जा रहा है? मैं तो इस तरह से अपने बच्चे को कभी सिद्धि नहीं बनने देती। शिनचिनचू जो है वो देखता है कि लुओ भिंगे जो है ना वो अपना हाथ हिलाता है गुस्से में, वो वहाँ पर हाथ जोर से झटकता है। पूरा यार्ड जो है वो क्विकली सारे के सारे पीछे होते हैं और वो कहता है, मैं भी औरतें रिसीव करूंगा। यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो गुस्से में कहता है शिनचिनचू कि इस तरह से औरतें और उन चीज़ों की विश करना मैंने कभी प्लान नहीं किया, और शादी के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, और मेरे घर में अभी भी एक इंसान है और मैं खुश हूँ इस बच्चे की देखरेख करने में। मैं आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैडम मैं यहाँ पर देख रही थी बिल्कुल अपनी बिग रेड पियोनी उसके बालों में लगी हुई थी, उसका फेस था बहुत ही ज़्यादा राइटेजियस था, और वो कहती है, मिस्टर शिन आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं? ये टाइम है आपके लिए, आप एक एडल्ट मैन हैं, आपको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, और यहाँ पर आपके पास एक बड़ा घर है और बिना किसी होस्टेस के आप यहाँ रहते हैं, और लोगों से मैंने सुना है कि एक पर्सन का एक बच्चे के साथ यूँ रहना अच्छा नहीं लगता। आप अपने बच्चे के साथ रहते हैं, ये कंफर्टेबल नहीं होगा दुनिया के लिए, स्ट्रेंज होगा, और लोग बाग ये सुनकर थोड़ा बुरा भी फील कर सकते हैं। वो अपना फ़ैन हिलाती है और कहती है, और ये चीज़ सेटल हो गई, मिस्टर शिन आप हमारे साथ आइए। यंग मास्टर आप अकेले घर में रह लेंगे, उनके साथ कोई देखरेख कर लेगा। यहाँ पे लुओ भिंगे को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ से मेरे शिजुन को लेके जाएगा। मतलब वो शिजुन नहीं बोलता और कहता है, इन्हें लेके जाएगा। यहाँ पर वो सच में बहुत कोल्ड लग रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और शिनचिनचू जो है वो जानता था कि लुओ भिंगे का टेम्पर कैसा है। यहाँ पर 3 मैडम उसके सामने खड़ी थी जो उसे इंसिस्ट कर रही थी एक ब्लाइंड डेट के लिए। यहाँ पर वो धीरे से एक स्पेल करता है और वो अचानक से वहाँ पर फेंट हो जाती हैं, और ताकि वो वहाँ से उड़ सके, वहाँ से भाग सके। इवन अभी उन्हें आए 1 महीना भी नहीं हुआ था, उसे वहाँ से भागकर कांगचियोंग माउंटेन जाना होता है। जब वो बॉटम में होता है कांगचियोंग माउंटेन के, शिनचिनचू जो है लुओ भिंगे को अपने हाथों में लिए हुए था, वो ऊपर की तरफ चल रहे थे, तभी एक एल्डर ब्रदर आता है जो कि वहाँ पर पोछा लगा रहा था। वो कोई नया डिसाइपल होगा। शिनचिनचू जो है वो स्टेयर्स पे चल रहा था और लुओ भिंगे जो है उसका हाथ पकड़े हुए था, जिसका फेस बहुत छोटा सा था। यहाँ पर वो जैसे ही अपनी झाड़ू को फेंकता है और वो यहाँ शिनचिनचू को देखता है, पर एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है। कांगचियोंग माउंटेन जो है वहाँ पर स्टेयर स्वीपर जो होते हैं वो अपने रियल टैलेंट को हाइड करके रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी जिन्हें वो रोज़ साफ़ किया करते थे। लुओ भिंगे यहाँ पर उबासी ले रहा था और उसमें इतना स्टेमिना नहीं था कि वो आराम से ऊपर चल सके, तो शिनचिनचू जो है वो उसे गोदी में उठाता है और कहता है, चलो सो जाओ। ये डिसाइपल्स पता नहीं क्या चीज़ें सोचता है कि वो लुओ भिंगे को जब देखता है कि किस तरह से उसने शिनचिनचू को हक किया हुआ है, उसका फेस रेड हो जाता है। यहाँ पर वो अपने आप चलता हुआ रहा था और उसके बाद शिनचिनचू ने उसे अपनी गोदी में ले लिया। प्रोबेबली ये बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है, इसलिए वो शिनचिनचू की आर्म्स में आराम से रेस्ट कर रहा है। जैसे ही शिनचिनचू ऊपर की तरफ आता है, शिनचिनचू फील करता है कि ये इंसान उसे देख रहा है, जो कि उसे पता नहीं अजीब सा लगता है। यहाँ पर उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, और जो यहाँ पर अभी स्टेयर को साफ़ कर रहा था वो इंसान स्पेशली स्ट्रेंज लग रहा था। वो धीरे धीरे चिंगजिंग पीक में जाता है, और यहाँ पर जो ये सीढ़ियाँ साफ करने वाला इंसान था, जब ये लुओ भिंगे के बचपन के रूप को देखता है, ये भाग कर वापस से चला जाता है। यहाँ पर शिनचिनचू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रुकता नहीं है। चिंगजिंग पीक में आने के बाद वो बैम्बू हाउस में जा रहा होता है, वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल आ जाते हैं। मिंग फेन वहाँ लुओ भिंगे को देखता है जो कि शिनचिनचू की आर्म्स में था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुँह में कुछ
फंस गया हो, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कुछ अटक गया हो उसके मुंह में। निनी यंगिंग धीरे से लोगों को साइड करती है और वो देखती है कि शिनचिनचू की बाहों में लुओ भिंगे सो रहा है। वो कहती है, अरे देखो ये तो अलुओ की तरह दिख रहा है ना, बिल्कुल अलुओ की तरह। यहाँ पर वो सारे के सारे लुओ भिंगे को नहीं जान पा रहे थे, वो सोच रहे थे लुओ भिंगे जैसा कोई दिखने वाला बच्चा शिनचिनचू अपनी गोद में लेके घूम रहा है। निनी यंगिंग शिनचिनचू की स्लीव्स को पकड़ लेती है और कहती है, शिजुन क्या आपने इसका नाम रखा, क्या आपने इसे एक नाम दे दिया है? शिनचिनचू यहाँ पर निनी यंगिंग को देख रहा था। यहाँ पर निनी यंगिंग कहती है, क्या इसका कोई नाम है, क्या मैं इसे एक नाम दे सकती हूँ? लुओ भिंगे जो है वो अपनी उसकी आर्म्स के अराउंड घूम रहा था और कहता है, कितना बोलती है, नोइजी। यहाँ पर शिनचिनचू जो है वो अपने फैन को फोल्ड करता है हवा में और वो लोगों को थ्रेटन करने की कोशिश करता है। धीरे से वो अपने हाथ को खींचता है फोर्सफुली और वो इस गेस्चर में रहता है। वो एंट्रेंस करता है बैम्बू हाउस में और सडनली वो कलैप्स हो जाता है। बिंगू जो था वो उसकी गोदी में था, वो अपनी आँखें ओपन करता है। लुओ चिंगे एकदम से शिनचिनचू के घर के वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। मिंग फैन भी वहाँ पर था टकटकी लगाए हुए और सडनली लुओ भिंगे जो है वो शिनचिनचू के पीछे शिनचिनचू से छुपा लेता है और फिक स्माइल के साथ कहता है, लुओ शिरी मुझे आप पे ट्रस्ट है, वेल लास्ट टाइम हमने एक दूसरे को देखा था तब काफ़ी टाइम हो गया। लुओ चिंगे कहता है, क्या छुपा रहे हो? शिनचिनचू कहता है, छुपा रहा हूँ, क्या छुपा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। लुओ भिंगे जो है वो शिनचिनचू के चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, मुझे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं डरता किसी से। लुओ चिंगे यहाँ पर उसकी तरफ देखता है, लुओ भिंगे की डार्क आईस थी और उसका फेस बहुत प्यारा था लेकिन वो गुस्से में लग रहा था क्योंकि लुओ चिंगे को देखकर अक्सर जो हमारा लुओ भिंगे था उसका चेहरा गुस्से में ही आ जाता था। यहाँ पर धीरे से वो बोलता है और शिनचिनचू कहता है, तुम और तभी शिनचिनचू कहता है, क्या? लुओ चिंगे कहता है, तुम और लुओ भिंगे इसके साथ हो? यहाँ पर वो मन में सोचता है, इसके साथ क्या, कौन ये? लुओ चिंगे धीरे से यहाँ पर उसके लिए मुश्किल हो रहा था कहना। मिंग फैन जो है वो भी उसे देख रहा होता है। मिंग फैन को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन है जो उसके शिजुन के साथ आया है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से लुओ चिंगे कहता है, बर्थ दिया है तुमने इतने बड़े बच्चे को? लुओ जीजू एकदम से शिनचिनचू कहता है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग पागल हो गए हैं कि क्या सोच रहे हैं। वो रूडली वहाँ से भगाता है लुओ जीजू को चिंचिंग पीक में, जिसे मानो उसे गुस्सा ही आ गया था। वो गुस्से में चिल्लाता है, आपको कैसे लग सकता है कि एक मैन जो है वो बच्चा पैदा कर सकता है? निनी यंगिंग जो कि चीज़ें समझ रही थी वो डिसअपॉइंट हो रही थी क्योंकि ना जाने उसने इस बच्चे के कितने सारे नाम सोच लिए थे और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कम से कम 50 नाम सोचे हुए थे जो कि अब यूज़लेस हो जाएंगे। वो धीरे से कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो स्टेयर स्वीपर ने ओल्ड ब्रदर जब वो आ रहे थे तब उन्होंने एक रूमर उड़ा दिया था। उसने कहा कि आपने कौन जाने अलुओ जो है वो इन दिनों कहाँ है और आप एक बच्चे के साथ लौटे हैं। शिनचिनचू को याद आता है कि किस तरह से लुओ भिंगे को देखकर वो स्वीपर भाग गया था। मिंग फैन एम्बेरस होता है और कहता है, ये डिसाइपल जो है मुझे लगा कि अगर ये डीमन है तो इम्पॉसिबल है एक मैन को बर्थ देना, लेकिन लुओ भिंगे एक डीमन होने की वजह से हो सकता है ये सब चीज़ें पॉसिबल हों। शिनचिनचू को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल ना इस वक्त टूट जाएगा। वो कहता है, अगर एक मैन बर्थ दे सकता है ये इम्पॉसिबल है एक मैन के लिए, और अगर वो बर्थ भी देता है तो इतना बड़ा बच्चा तो वो पैदा नहीं कर सकता ना, वो भी कुछ ही महीनों में। मिंग फैन रिप्लाई करता है, कौन जाने डिसाइपल, ये डिसाइपल नहीं जानता कि डीमन लुओ भिंगे के सन को पैदा करना इम्पॉसिबल है या नहीं, क्या पता वो इतना बड़ा ही पैदा हो। यहाँ पर शिनचिनचू का मुँह देखने लायक था। चिंगजिंग पीक में बहुत सारी पनिशमेंट होती थी कॉपी करने की स्क्रिप्चर्स की और वो अब वापस से आज आ गया था तो अब इन सारी पनिशमेंट की अब वो अच्छे से लोगों से भरपाई करवाएगा क्योंकि उन्होंने लुओ भिंगे के खिलाफ ऐसा बोला है। शिनचिनचू जो है अपॉर्चुनिटी देखता है और वापस से कांगचियांग माउंटेन आ जाता है। ये रेयर मोमेंट था 12 पीक्स में जब वो प्रेजेंट हुआ था। वो नेचुरली वहाँ गैदर हुए थे, डिनर कर रहे थे। शिनचिनचू जो है वो यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा होता है, वो अपनी सीट लेता है और सेकेंड सीट जो थी वो चियोंगडिंग पीक की थी। बहुत टाइम बाद वो सारे मिले थे। वो ग्रीट करता है पीक लॉर्ड को, कितना वक्त हो गया ना हमने एक दूसरे को नहीं देखा। यहाँ पर वो कहते हैं, तुम बहुत पोलाइट हो, तुम आज भी इतने ही पोलाइट हो। यहाँ पर जब यू चिंगवान शिनचिनचू को देखता है उसके एक्सप्रेशन थोड़े स्ट्रेंज होते हैं। यहाँ पर वो फर्स्ट सीट पे बैठा हुआ था और उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। वो धीरे से उसके सामने बहुत सारी फाइल्स रख देता है। शिनचिनहुआ भी वहाँ बैठा हुआ था जिसका मुंह बहुत ज़्यादा घायल हुआ हुआ था। इससे पता चलता है कि शिनचिनहुआ को फिर से मोबीजुन ने बुली किया है। यहाँ पर उसका मुंह अभी भी सूजा हुआ था, उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी और वो अब उस तरफ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देखना चाहता था। यहाँ पर वो शिनचिनचू देखता है, सिप लेता है एक अपनी टी की और यहाँ पर उसके सामने जो बहुत सारे सैक पड़े हुए थे उसमें रिग्रेट ऑफ चुनशन जो कि लुओ भिंगे और उसके प्यारे से कहानी लोग बग गाया करते थे और यहाँ भिंगे चू सॉन्ग भी था प्रोबेबली। वहाँ पर बहुत सारे कॉपी सर्कुलेट हुए हुए थे। यहाँ पर पहली चीज़ थी कि वो लोग इलस्ट्रेशन जो है वो जितनी भी यहाँ पर कॉपीज फैली हुई थी उन सबको इकट्ठा कर रहे थे। सेकेंड चीज़ थी बाइजन पीक से रिलेवेंट कि वहाँ पर स्ट्रेंथ एंड चार्ज मैनेजमेंट रखा जाएगा और वो किसी भी पीक में जाकर किसी भी मेंबर से लड़ाई नहीं करेंगे। थर्ड रूल नया आया था जहाँ पर जो स्मॉल नंबर ऑफ कंप्लेन है चिंगजिंग पीक के मेंबर की वो दर्ज की जाएगी, माइंड में रखी जाएगी और उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाएगी बहुत सारी चीज़ों की। जब उनका लंच और नाइट का टाइम ना हो तब उन्हें फालतू का काम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर शियांशु पीक की भी चीज़ें थी जैसे कि वहाँ पर फेंस लगाए जाएंगे, रेस किए जाएंगे अच्छे से और वहाँ लाइटनिंग होगी जो कि फेंच में चलेगी। कूशिंग पीक में यहाँ पर था कि फ्यू डिसिप्लिन जो है हर साल वहाँ पर
रह जाते हैं जिनका एक्सपेंशन करना होगा, एनरोलमेंट करना होगा। माउंटेन गेट जो है ओपन किए जाएंगे नेक्स्ट टाइम। सिक्स पीक जो था वो था हुआन हुआ, जिसके मेंबर जो थे कांचन माउंटेन डिसाइपल के स्टेटस के होंगे और वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। वहाँ पर डिसाइपल्स की एजुकेशन पे अटेंशन दी जाएगी। और सेवन था यहाँ पर उन्हें अपना टास्क कैरी करना होगा। वो किसी भी डीमन से एनकाउंटर करेंगे जब तक उसकी भावना या फिर उसके पीछे के मकसद को नहीं जानेंगे। ये किसी भी डीमन पे अटैक नहीं करेंगे, जैसे कि इन्होंने बिना जाने सोचे त्यांगलन जुन पे आज से कितने साल पहले अटैक किया था। और यहाँ पर वो लोग किसी भी एनिमी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे बिना ये जाने कि वो एनिमी है या नहीं। यहाँ पर पब्लिकली ये सारी चीज़ें हो गई थी, इनअप्रोप्रिएट एक्शन भी हो रहा था। अब वो ये अपनी रेपुटेशन की कोई भी चिंता नहीं करते थे। 8 से 9 लोग 12 पीक मास्टर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए थे। यहाँ पर एक ऑकवर्ड सा सेट हुआ हुआ था चैम्बर के अंदर, जहाँ पर शेंचेंचो जो है वो अपना पंखा हिला रहा था। वहाँ पर बहुत सारे पानी की वेव्स आ रही थी और यहाँ पर रिग्रेट ऑफ चुनशन भी थी, जिसमें भिंगेचू सॉन्ग भी डाला गया था। उससे समझ में नहीं आता लोग बाग इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं उसके और लियो भिंगे के बारे में लिखना, इस तरह के रोमांटिक रूमर्स उड़ाना और इस तरह के जिस तरह के रियल लाइफ बेस्ड लोग बाग फैन फिक्शन लिखते हैं, उन बेचारों को लेकर भी बहुत सारी कल्पना में लिखी हुई शायरियाँ लिखी गई थी और इमेजिनेशन थॉट पर लोग बाग उन्हें टॉप बॉटम लिखकर उनकी फालतू के रूमर्स बनाया करते थे। शेंचेंचू जो है वो कहता है फेलो शिडीशी में ऐसा नहीं लगता कि ये डायरेक्शन जो है वो वापस जाती है आपके पीक्स की तरफ। चिंची जो है वो कहती है हाँ, क्योंकि हम जो है वो अपने वापस नहीं जा रहे अपने पीक्स की तरफ पहले प्लेस पे। शेंचेंचू जो है वो कहता है आप चिंचिंग पीक विजिट क्यों करना चाहते थे? और बैम्बू हाउस सिंपल है, क्रूड है, इम्प्रॉपर है रिसीविंग गेस्ट को, क्योंकि अभी भी बैम्बू हाउस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हुई हुई। तो वहाँ पर वो कहते हैं प्लीज़ आप स्टूपिड जैसा प्रिटेंड ना करें, हम जानते हैं आपके जो बैम्बू हाउस है ना वो सिंपल है, क्रूड है। और वो वहाँ क्यों जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हम वहाँ जाना चाहते हैं आपके उस डिसाइपल जो कि वहाँ छुपा हुआ है उसे देखने। यहाँ पर वो लुआ भिंगे को एक स्ट्रेंज थिंग की तरह डिस्प्ले किया करते थे। यहाँ पर शेंचेंचियोंग कहता है वो अपसेट हो जाएगा। यहाँ पर वो कहते हैं मैं आपको डांटना नहीं चाहती शेंचेंचियोंग, बट आप कैसे एक डिसाइपल, मैं आप पे गुस्सा हूँ, आप उसे कैसे अपने आप को शिजुन कहने देते हैं और आप उसके शिजुन हैं, आप नहीं जानते किस तरह से उसे डिसिप्लिन करना है, एजुकेट करना है। यहाँ पर ये सारे के सारे लुआ भिंगे को जज कर रहे थे। एक इंसान कहता है ऐसा नहीं है, आपका रिलेशनशिप जो भी हो उसके साथ, लेकिन वो उसे डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कहते हैं अगर वो एंग्री हो भी हो तो क्या होता है, मैं उससे नहीं डरता। उसकी स्ट्रोक जो कोर लेंथ है वो कितनी ही रहेगी है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और उसकी इवन सिर्फ 1/10 ही कोर स्ट्रेंथ रह गई है। अब वो कितना भी गुस्सा करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कुशिंग जो फेंग पीक था वहाँ के मास्टर बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो कहते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा नॉनसेंस फैली हुई है, आपको डर लगता है क्या वो आपको खा जाएगा क्या? हाँ देखो मैं यहाँ से आपसे बात करने आया हूँ, लुआ भिंगे हमें बिल्कुल पसंद नहीं, खैर लेट गो। यहाँ पर शेंचेंचू जो है वो अब अपने इन ऑब्स्टिकल्स को कहीं ना कहीं छुपा नहीं सकता था। उसे चेंजिंग पीक में बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका फेस जो था वो काला हो गया था, मतलब गुस्से से, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था ये लोग लुआ भिंगे के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो भी इस स्टेट में जब वो बच्चा बना हुआ है। शेंचेंचू उनमें से एक या दो को नहीं रोक पाता, बट वो सारे के सारे मास्टर जो हैं बैम्बू हाउस में आते हैं। वो यहाँ पर धीरे से आते हैं और उनके एफर्ट जो थे वो अलग थे, यूजलेस थे, क्योंकि चिंची जो है एंटर करती है हाउस में। लुआ भिंगे जो कि अभी भी सो रहा था बेड पे, वो आराम से अपने बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ था, जैसे कि शेंचेंचू उसे छोड़ के गया था। शेंचेंचू गेस्चर करता है, वो अभी भी सो रहा था, वो कहता है वो सो रहा है प्लीज़ उसे बॉदर मत कीजिएगा। लुआ भिंगे जो है यहाँ अंदर देखता है और वो कुछ नहीं बस कह पाता, बस वो धीरे से बोलता है वो कल से थोड़ा सा अलग लग रहा है, डिफरेंट। शेंचेंचू ने ये नोटिस ही नहीं किया, उसे याद आता है कि सुबह से जो हमारा लियो भिंगे है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कपल ऑफ ईयर्स, जैसे कि वो 8 साल का हो गया हो। वी चिंगवे कहती है हाँ वो अच्छे से बढ़ रहा है, ठीक है अच्छे से ही बढ़ रहा है। चिंगचिंग यहाँ पर कहता है इस रेट से अगर वो बढ़ेगा तो वो प्रोबेबली इन कपड़ों को नहीं पहन पाएगा और ज़्यादा। शेंचेंचू जो है वो सोचता है हाँ ये तो बात है, आज लियो भिंगे को उसके कपड़े फिट भी नहीं आ रहे थे। यहाँ पर वो धीरे से रिप्लाई करता है ये तो है, मैं इतना ज़्यादा केयरफुल नहीं था चीज़ों को लेकर, कल मैं जाऊँगा माउंटेन के नीचे और उसके लिए कुछ आउटफिट्स लेके आ जाऊंगा। चिंची यहाँ पर हंसते हुए रिप्लाई करती है तुम्हें खरीदोगे? तुम्हें नहीं पता यहाँ रेडीमेड वाले चीज़ें बनती हैं शेंचू पीक के अंदर, तुम जाओ और काफ़ी सारी ओल्डर सिस्टर हैं उनके, वो यहाँ पर न्यू क्लोथ्स बनाती हैं उनसे ले आओ। यहाँ सेवरल पीक्स में मास्टर जो है वो हंस रहे थे इस चीज़ों को लेकर, और जैसे ही वो ये कहती है यहाँ पर बहुत सारे लोग जोर से हंसने लगते हैं कि ये जो शॉर्ट स्लीव डेमन है ये किस तरह से है, सारे उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये देखने के बाद ना शेंचेंचू को अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उसके दिल में कि लुआ भिंगे की जो डिग्निटी है वो लोग किस तरह से गिरा रहे हैं, और हरिडली वो कहता है इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, आप जाइए अपनी सीट लीजिए, लिविंग रूम में जाइए और यहाँ पर मत घूमिएगा, और प्लीज़ हंसना बंद करिए, आप केयरफुल हो जाइए ताकि आप इसे जगह ना दें। यहाँ पर शेंचेंचू को बहुत गुस्सा आ गया था। यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है तुम हमें नहीं चाहते कि हम उसे देखें, तुम हमें उसके पास भी नहीं जाना चाहते कि हम उसके पास जाएँ। शेंचेंचू आप कितने बोरिंग हैं। शेंचेंचू कहता है प्लीज़
थोड़ा सा धैर्य रखिए, शर्म कीजिए। उसे डिफ़िकल्टी हो रही थी, वो जैसे तैसे करके आसपास आता है और रिटर्न करता है बैम्बू हाउस में। यहाँ पर उसका सिर घूम रहा था, लोहो बिंगिया बूट चुका था। वो आराम से बैठा हुआ था अपनी स्टडी टेबल पे, उसकी लेग्स पोस्ट नहीं रही थी। पर जैसे ही वो देखता है, वो आराम से शनचिंचू के पास आता है। उसकी आंखें लाल थी। शनचिंचू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोहो बिंगिया यहाँ पर अपना सिर उठाता है और कहता है, शिजन आपको आए हुए बहुत टाइम हो गया ना, कोई यहाँ पर रिकॉर्ड की केयर नहीं करता, तो मैं सोचा था कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स बना दूँ और स्टोरेज अच्छे से कर दूँ। शनचिंचू का दिल भारी हो रहा था और वो कहता है, तुमने अभी तक ढंग से कल्टीवेट नहीं किया है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस मैटर के बारे में सोचने की। लोहो बिंगिया कहता है, बट शिजुन यहाँ पर है ना, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, तो मैं सोच रहा था कि मैं इन्हें अच्छे से मैनेज कर दूँ। शनचिंचू नीचे बैठता है और कहता है, तुम अनहैप्पी हो ना कि हम चिंचिंग पीक में आए? लोहो बिंगिया कहता है, आप क्या बात कर रहे हैं शिजुन, आपका ये जो डिसाइपल है ये कैसे अनहैप्पी हो सकता है? यहाँ पर शनचिंचू उठता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है। वो अब सिर्फ कुछ स्टेप ही लेता है कि लोहो बिंगिया कहता है, हाँ ये डिसाइपल अनहैप्पी है। वो उसकी लेग को हक कर लेता है और यहाँ पर गुस्से में बोलता है, क्योंकि लोहो बिंगिया बहुत सारी चीज़ शनचिंचू के लिए छुपा लेता था और शनचिंचू को ये चीज़ नहीं पसंद थी। शनचिंचू कहता है, ये अच्छी बात है, एटलीस्ट तुमने कहा कि तुम अनहैप्पी हो, और आज के बाद से अगर यहाँ पर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो, इसे अपने दिल में मत रखना। और अगर तुम चिंचिंग पीक नहीं रहना चाहते तो जब तुम रिकवर होगे तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी में, हम यहाँ से चले जाएंगे। करंट सिचुएशन इस वक्त हमारी कहीं जाने की नहीं है, तुम्हारी बॉडी एकदम से चेंज होती है। कांगचियोन माउंटेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। लोहो बिंगिया रिस्पॉन्ड करता है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे चिंचिंग पीक भी पसंद है, मुझे सिर्फ चिंचिंग पीक ही पसंद है, पर कांगचियोन माउंटेन पसंद नहीं, उसके अलावा आप और मैं और कोई भी नहीं। चिंचिंचू मन में सोचता है, चिंचिंग पीक यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता रियलिटी में, क्या वो करता है? लोहो बिंगिया डिप्रेस्ड होता है और कहता है, शुगन जब आप मेरे साथ होते हैं ना तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेरे साथ रहते हुए आप बहुत चीज़ें यहाँ की नहीं कर पाते थे ना। शनचिंचू स्माइल करता है और कहता है, अब तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी गुड हो गए हो प्रिटेंड करने में कि तुम सो रहे हो, लेकिन तुम्हारे कान और भी ज़्यादा तेज हो गए हैं, तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ लगता है रिकवर हो रही है। लोहो बिंगिया कहता है, शुगन मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं यहाँ वापस आऊँ, क्योंकि यहाँ वापस आते ही बहुत आसान होता है, आपको कोई भी मुझसे दूर ले जाता है। वो धीरे से कहता है, अगर ये मैं होता पहले का तो मैं कॉन्फिडेंट होता, कोई भी आपको मुझे छीन कर नहीं ले जा सकता था, लेकिन अब मैं किसी के साथ कम्पीट भी नहीं कर सकता। शनचिंचू उसे धीरे से मारता है सिर पे और कहता है, तुम क्या कम्पीट के बारे में सोच रहे हो, मुझे कोई भी स्नैच नहीं करेगा, शिजुन हमेशा तुम्हें फॉलो करेगा नेचुरली। यहाँ पर दोनों पार्टनर जो थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ पर अडल्ट लोहो बिंगिया जो था वो जैसे उसके गर्दन पे हमेशा तलवार टंगी रही, क्योंकि वो हमेशा अपने मिनी वर्जन में रहता था, उसकी आर्म्स जो थी वो क्यूटली यहाँ पर शनचिंचू को हक किए रहती थी। लोहो बिंगिया हमेशा डरता था कहीं शनचिंचू को उससे कोई चुरा ना ले, और वो हमेशा बड़ी अफेक्शन के साथ अपने शिजुन को देखता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लवली फ्लावर उसे दिख रहा हो। और यहाँ पर जो हमारा शनचिंचू है वो दो मिनट भी रेजिस्ट नहीं कर पाता था। लोहो बिंगिया की आँखें जैसे वाटरी हो रही थी, वो अब बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो शनचिंचू को पुश करता है बैम्बू के काउच में, खुद को उसके ऊपर लाता है और वो उसकी चेस्ट पे ही ऐसे लेटे रहता है। शनचिंचू कहता है, तुम कंटिन्यू कर सकते हो, अगर वो कंटिन्यू करे भी तो वो नहीं कर सकता जो ओरिजिनल लोहो बिंगिया करना चाहता है, क्योंकि वो अभी बच्चा है। यहाँ पर शनचिंचू को बहुत बुरा लगता था कि लोहो बिंगिया इस हालत में है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार भी करता था। अभी भी उसकी बहुत ज़्यादा इमेच्योर वॉइस थी और वो फेडअप हो गया था, वो बस उसे हक करता है और सो जाता है। यहाँ पर पार्ट 98 खत्म होता है। अब बस एक और पार्ट रह गया है, उसके बाद बिंगिया सीरीज खत्म हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।